एनएसयूआई के छात्रों ने बुधवार को राष्ट्रीय सचिव पूर्वी उत्तर प्रदेश अविनाश यादव के नेतृत्व में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसके संबंध में एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव अविनाश यादव ने बताया कि जब से देश में कोरोना महामारी आया है और उसके बाद लॉकडाउन लगा दिया गया, तब से सभी तरह की सेवाएं बंद थी, जिससे सभी लोगों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। जिसको देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की 6 माह की हॉस्टल और कॉलेज की फीस माफ करे और छात्रों के लिए छात्रावास को खोल दिया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव अविनाश यादव ने कहा, हम लोग के राष्ट्रीय सचिव आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, तो सब लोग मिलेंगे, आराम से बात करें, उनको भी ज्ञापन देना हमारी मांग है। सर, हम सभी की 3 सूत्रीय मांगे हैं, जो कि सिर्फ गोरखपुर विश्वविद्यालय ही नहीं, यह मांगे हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, BHU, काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद होते हुए अन्य जो हमारे महाविद्यालय हैं और साथ ही साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी आए। सर, इस कोरोना वैश्विक महामारी में आप देखेंगे जहाँ गरीब किसान परिवार के बच्चे या कोई मुंबई कमा रहा है, कोई दिल्ली कमा रहा है, घर परिवार से आप देखेंगे सारे लोगों की जो व्यवसाय खत्म हो चुके हैं। किसी के पास पहले जो छात्र 2,000, 3,000, 4,000 घर से मिल जाता था, कोई ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ता, आज वर्तमान समय में आप देखेंगे जो 17 जुलाई से शुरू होने वाले थे, अभी अक्टूबर के बाद नवंबर आने वाले हैं, उसका कोई अता पता नहीं। हम सभी की यह भी मांग है कि पहले आप छात्रावासों को खोले, साथ ही साथ जो शुल्क है उसको भी माफ करें। 3 सूत्रीय मांगे हैं और हम चाहेंगे हम अपना ज्ञापन पढ़ कर तो वो चीज़ भी आप ओपन करें, हमारी 3 मांगे इस पे हम सब लोग ज्ञापन हम पढ़ रहे हैं। मेरा नाम अविनाश यादव, राष्ट्रीय सचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश पूर्व। हमारी 3 छोटी सी मांगे थी, हमारी मांगे थी कि पहला तो जो छात्रों को जिनसे हॉस्टल से निकाला जा रहा है, जिन्हें हॉस्टल नहीं दे जा रहे, छात्रावास नहीं दे रहा, उन्हें तुरंत रूप से खोला जाए और किसी भी छात्र को इसके लिए तंग ना किया जाए। दूसरी मांग है जो स्कॉलरशिप रुकी हुई है छात्रों की, वो स्कॉलरशिप तत्कालीन बताया जाए क्या रीज़न आप क्यों नहीं खोल पा रहे, क्योंकि विश्वविद्यालय कह रहा है कि सेंटर से रुकी है, सेंटर कह रहा है विश्वविद्यालय ने रुकी है, ताकि हम उसके अनुसार काम कर सके और बच्चों को रोका जाए, उनके जो तकलीफ हो रही है रोकी जा सके। तीसरी हमारी मुख्य मांग है सभी छात्रों की 6 माह की हॉस्टल की और कॉलेज की फीस माफ़ हो, छात्रावास की सभी तरह की फीस माफ़ हो, चाहे वो स्कूल की हो, वो हमारे गोरखपुर के लिए भी हमारी मांग है, इलाहाबाद के लिए, हमारी पूरे इंडिया में मैंने उसे यही मांग करी है कि सभी स्कूलों की, विश्वविद्यालयों की 6 माह की फीस माफ़ हो, ताकि जो कोरोना महामारी का जो छात्रों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, जो फैमिलीज पैसे नहीं दे पा रही, उनको रुकावट ना आए और वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सके। धन्यवाद।